झारखंड के धनबाद में गैंग वॉर। कुख्यात गैंगस्टर फहीम खान के भांजे की हत्या कर रेलवे ट्रैक पर शव को फेंका। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएफ न्यूज। धनबाद के वासेपुर में मंगलवार को गैंगस्टर फहीम खान के रिश्तेदार गुल खान, जिसकी उम्र 25 साल की थी, उसकी हत्या करके रेलवे ट्रैक पर लाश को फेंक दिया गया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मंगलवार शाम खून से लथपथ शव रेलवे लाइन के पास पाया गया। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से उसे निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद के सरकारी अस्पताल में भेजा गया है। कहा जा रहा है कि गुल खान की हत्या किसी रंजिश का नतीजा है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि मारे गए युवक का आपराधिक इतिहास नहीं था। पुलिस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। वासेपुर में सक्रिय विभिन्न गैंग्स के बीच वर्चस्व की जंग में बीते कई सालों में कई हत्याएं हुई हैं। यहां का सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जाने वाला फहीम खान जेल में बंद है, जबकि उसे चुनौती देते हुए उसके अपने ही भांजे प्रिंस खान ने करीब 3 साल से अपनी अलग गैंग बना रखी है। प्रिंस खान ने खुद खाड़ी के देश में शरण ले रखी है, लेकिन उसने अपने गुर्गों के जरिए धनबाद और आसपास के जिलों में आतंक का नेटवर्क फैला रखा है। फहीम और प्रिंस अपने अपने गैंग के हैं और इनकी आपस की लड़ाई में हाल ही के सालों में कई लोगों की हत्याएं हुई हैं। फिलहाल गैंगस्टर फहीम खान के भांजे की हत्या किसने की अभी तक कुछ भी जानकारी निकल कर सामने नहीं आ पाई है, लेकिन इस हत्याकांड के बाद गैंग वॉर की स्थिति जरूर आशंका जताई जा रही है।